अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी, आज मैं बहुत ज़बरदस्त डेजर्ट लेकर आई हूँ। रस्क डेजर्ट है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड कॉफ़ी केक। उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या लिए हैं, मैं 1.5 कप ऑफ रस्क लूँगी। बहुत मज़े का डेजर्ट बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। तो और इसके अलावा मेरे पास शुगर लूँगी मैं अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। दूध है मेरे पास 750 ml, और वाइल मेरे पास क्रीम है, टेट्रापैक क्रीम जो होती है 600 ml, या फिर आप समझ लें 3 पैकेट क्रीम लिए मैंने। और कॉफ़ी लूँगी 1.5 टेबल स्पून, और कोको पाउडर मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून। तो जी, ये हैं मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स। आप चलें इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया है, और अब मैं क्रीम का मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। तो क्रीम में मैं कोको पाउडर और शुगर अकॉर्डिंग टू माय क्रीम और अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हैंड बीटर की मदद से, ताकि ये यकजान हो जाए, इसमें शुगर ग्रैनुलर्स नहीं आए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैं हैंड बीटर की मदद से। और यहाँ ये मिक्स करने के बाद हमारे क्रीम मिक्सचर की शक्ल कुछ ऐसे ही आएगी। और उसके बाद जो है, देखें कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है, तो दूध में मैं कॉफ़ी और शुगर ऐड कर दूँगी अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, और इसको भी मैं स्टिर कर लूँगी ताकि इस तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, कॉफ़ी भी और शुगर भी सब यकजान हो जाए। जैसे जस्ट ये कि जो हम स्टोव पे कॉफ़ी बनाते ना, उस तरह से हमने इसको प्रिपेयर करना है। और ये देखिए, मेरा कॉफ़ी का मिक्सचर भी तैयार है दूध के साथ। और जो है अब इसकी असेंबलिंग करेंगे हम। तो असेंबलिंग के लिए देखिए, मेरा कॉफ़ी मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसके अलावा क्रीम का मिक्सचर भी तैयार है। और इसके लिए मैं एक बड़ा ट्रांसपेरेंट बाउल ले लिया है। तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमें रस को इसमें डिप कर कॉफ़ी मिक्सचर में डिप करके इसकी लेयरिंग करनी है रस की। ये देखें, दूध बहुत गर्म है, तो इसकी कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा मत डुबोएं, वरना आपके पापे टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेयरिंग कर दूँगी रस को कॉफ़ी में डिप करके। अब इसके ऊपर डालूँगी मैं जो क्रीम का मिक्सचर बनाया था, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, ताकि हमारे पापे बिल्कुल इसके नीचे छुप जाएँ, क्रीम मिक्सचर के नीचे। और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। अब दोबारा हम रस की लेयरिंग करेंगे वैसे ही कॉफ़ी मिक्सचर में डिप करके, और उसके बाद फिर क्रीम डालेंगे रस के ऊपर। और ये इवनली मैंने स्प्रेड कर दिया। अब मैं ऊपर टॉपिंग के लिए मैंने यूज़ करा है कंडेंस मिल्क, और मेरे पास थी डेरी मिल्क, तो उसके चंक्स मैंने डाल दिए हैं। चंक्स आपके पास कुछ भी, जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स हैं तो स्प्रिंकल्स डाल दें, चॉकलेट चिप्स है तो चॉकलेट चिप्स डाल दें, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने जो एक कंडेंस मिल्क डाल दिया है और चॉकलेट चंक्स डाल दिए, और विपी विप क्रीम से इसको डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ मेरा डेजर्ट हो चुका है तैयार, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था और बहुत ही उम्दा बना था। आई रिकमेंड डैट कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही लजीज रेसिपी बनी थी। और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, अपने प्यार के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब